हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेज़न का किड्स वियर का हॉल। इसके पहले मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था आजियो का किड्स वियर का हॉल, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का हॉल था। अगर आप वो उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपकी परचेज़ में आपको हेल्प करता है, तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल पाए। तो देर न करते हुए हॉल को शुरू करते हैं। तो ये है आज का बॉयज़ का हॉल, किड्स वियर का, अमेज़न का। तो सबसे पहले मेरे पास है ये वेस्ट कोट, ये 6 रोकी इसको बोलते हैं शायद, कैसे प्रोनाउंसिएशन है इसका मुझे ठीक से पता नहीं है। 6 रोकी आई थिंक लग रहा है, ये 3 to 4 ईयर एज ग्रुप का है, बट ये मेरे बेटे को फिट आता है। होजरी फैब्रिक की है ये वेस्ट कोट, यहाँ पे 2 पॉकेट बने हुए हैं और यहाँ पे आपको 3 बटन दिख जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है, बहुत अच्छा है ये। आई थिंक 160 रुपीज़ का ये मुझे मिला था, तो उतने में ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, आप बिना डाउट के आप इसे ले सकते हैं, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ये। अगर आपको इस तरह के वेस्ट कोट अपने बच्चे के लिए पसंद आता है तो आप उसे ज़रूर बाय कर सकती हैं। उसके बाद सेम चिरोकी ब्रांड का ही है ये शर्ट, ये पिंक शेड में है, ये भी 3 to 4 ईयर एज ग्रुप का है, हाफ स्लीव की है, ये हल्की हल्की नहीं दिख रही है थोड़ी, इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है, कॉटन नहीं है लेकिन इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है। इसमें 2 कलर ऑप्शन थे, एक ये और एक हल्का लाइट ब्लू कह सकते हैं, स्काई ब्लू का बहुत लाइट शेड था, पेस्टल कलर था उसका। तो आप दोनों में से जो आपको पसंद आया वो ले सकते हैं, बट मुझे जब लेना था तो आउट ऑफ स्टॉक था, बट मुझे वही कलर ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब ये वाला मुझे रिसीव हुआ तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मेरा बेटा जब इसे पहनता है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट इसका लुक आता है। तो ये भी हाई रिकमेंडेड है, फैब्रिक क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छी है, आप इसे लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद है ये ऑरेंज शेड में है, ये भी सेम ब्रांड का है, चिरोकी का ही, ये फुल स्लीव का है और ये रोल अप स्लीव है, आप इसे चाहें तो रोल अप करके पहना सकते हैं, यहाँ तक जैसे फोल्ड करके आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको लूप मिल जाती है अंदर की तरफ, ये आप चाहें तो इसे रोल अप करके पहनाइए, या फिर आप वैसे चाहते हैं इसे फुल स्लीव की तरह यूज़ करना तो आप फुल स्लीव की तरह यूज़ कर सकती हैं। अब फ्रंट पे आपको ये एक पॉकेट मिल जाती है जो कि फ्लैप है, फ्लैप लगी हुई है, यहाँ पे बटन लगी हुई है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये कॉटन मिक्स में है बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कॉटन ही है, हल्की सी मिक्स है बट ये इसमें मुझे लगता है कि 90% तो कॉटन ही है। ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस वगैरह बहुत अफोर्डेबल है, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स में आपको ज़्यादा में टैग नहीं दिखता है, ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे प्रोडक्ट्स आते ही उन्हें टैग चाहिए होता है तो मुझे देना पड़ता है उन्हें, वरना वो रोने लगते हैं तो वो ठीक नहीं लगता है। तो मेन आपका जो पर्पस है वो है आप रिव्यू, क्वालिटी वगैरह कैसी है, प्राइस क्या है, क्वालिटी कैसी है, साइज़ वगैरह जो भी होता है, तो प्लीज़ उसे आप माइंड ना करिएगा कि टैग नहीं होता है। इसमें 2 कलर ऑप्शन थे, एक स्काई ब्लू और एक मैंने इसका स्काई ब्लू का ही मंगाया था, बट वो साइज़ मेरे बेटे को बड़ी आ रही थी और छोटी जो साइज़ थी उससे उसमें वो कलर अवेलेबल नहीं था, उसमें यही कलर अवेलेबल था। इसके साथ मैंने ये दोनों साथ ही मंगाया था तो मुझे थोड़ी एक जैसी लग रही थी, बट मुझे पसंद आ रही थी और प्राइस वगैरह भी मुझे पसंद आ रही थी तो इसलिए मैंने मंगाया, बट दोनों में डिफरेंस है। ये है पिंक में आपको दिख रहा होगा, ये ऑरेंज में दिख रहा होगा, डिफरेंस पता चल रहा होगा, मुझे दोनों ही पसंद आ रहे थे तो मैंने दोनों ही रख लिया, मैंने रिटर्न नहीं किया इसे। कलर मैंने इसका एक्सचेंज किया था, वो स्काई ब्लू से मैंने ये ऑरेंज वाले में कलर मंगाया था।
उसके बाद सेम शिरोकी ब्रांड की है ये कॉर्ड्राई वाली शर्ट, इसमें भी आपको फ्लैप पॉकेट मिल जाता है फ्रंट पे दो, और ये भी रोल अप स्लीव है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ बटन लगी हुई है, आप यहाँ से इसे रोल अप करके पहना सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको प्यारा लगे, ये इसके अंदर ये आपको लुक मिल जाती है। ये इसके साथ आप यहाँ पे बटन के साथ इस तरह से रोल अप करके पहनाइए, या फिर नॉर्मल फुल स्लीव करके आप पहनाना चाहते हैं फुल स्लीव करके पहनाइए। ये कॉर्ड्राई वाली फैब्रिक है इसकी, ये मेहंदी ग्रीन जो आती है वही वाली ग्रीन है, बहुत प्यारी है, इसका कलर बहुत प्यारा है। इसमें भी दो कलर ऑप्शन है, एक कौन सा है वो मुझे याद नहीं, बट दो कलर ऑप्शन अवेलेबल थे। ये ग्रीन वाली मैंने मंगाई क्योंकि इसके पहले मैंने जो आपके साथ दो शेयर किया वो कलर लगभग एक जैसे थे, तो इस वजह से मैंने वो दूसरा कलर छोड़ करके थोड़ा सा अलग कलर ये चूज़ किया। बहुत प्यारा है इसका कलर, फैब्रिक भी कॉर्ड्राई है, बहुत अच्छी है, और ब्रांड चिरोकी की है। उनके किड्स वेयर मुझे पसंद आते थे, अमेज़न पे मैंने वहाँ से मंगाया है, या तो मैं आजियो, ये पहले मैंने अमेज़न वाले मंगाए थे, फिर बाद में मुझे आजियो के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगने लगे, मैं आजियो से मैंने मंगाया कुछ। उसके बाद ये है डांगरी, इस तरह से यहाँ पे क्रॉस करने के लिए दिया हुआ है, ये भी आई थिंक सेम ब्रांड की है चिरोकी की, 5 to 6 ईयर की है एज ग्रुप, बेज कलर की है इसकी फैब्रिक, बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडर पैच लगी हुई है, यहाँ पे आप देखिए बैक पे भी यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड आपको नंबर्स मिल जाते हैं लिखे हुए, यहाँ पे दो पॉकेट आपको मिल जाती है, और फ्रंट पे भी आपको ये साइड पॉकेट जो है मिल जाती है। इसके पहले मैंने मंगाया था जीन्स का ही सेम ब्लू कलर के शेड में था वो, बट मुझे उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने उसे रिटर्न करके फिर ये वाली फैब्रिक में, जैसे ट्राउज़र वाली जो फैब्रिक आती है वो है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आने के बाद मुझे पसंद आई, क्वालिटी भी अच्छी है और साइज़ भी इसकी अच्छी लगी मुझे। उसके बाद है एक ये शॉर्ट, ये भी आई थिंक चिरोकी की ही है, ये भी चिरोकी की ही है, यहाँ पे साइड में पॉकेट लगे हुए हैं। इसमें भी एक बेज कलर का ऑप्शन था, मैंने बेज कलर का ये डंगरी मंगा लिया था, तो इस वजह से मैंने ये ग्रे कलर में मंगाया है। यहाँ पे चिपकने वाले जो होती है ना, यहाँ पे लगी हुई है पॉकेट के साथ, बैक में आपको यहाँ पे दो पॉकेट मिल जाता है। ये भी अमेजन का प्रोडक्ट है, ये भी बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका एज ग्रुप भी मैं बता देती हूँ आपको, ये भी 5 to 6 ईयर एज ग्रुप का है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का चिरोकी ब्रांड का अमेजन से मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा पहनने पे लगता है, दिखाई देता है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आता है आप उसे अगर लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से जा कर के ले सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। Thanks for watching. Bye-bye.